हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड में आज आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि हमारी सेकंड यूनिट से बिलोंग करता है। ठीक है, और उस टॉपिक का नेम है लेथ मशीन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेथ मशीन, जैसे कि आप लोगों ने इस शब्द को पहले भी सुना होगा, ठीक है, तो जैसे वर्कशॉप वगैरह में आप गए होंगे तो वहाँ पर आपने लेथ मशीन देखी होगी। ठीक है, तो बेसिकली लेथ मशीन को अगर देखा जाए तो किस टाइप की दिखती है, आप ये देख सकते हैं, ये लेथ मशीन है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं लेथ मशीन, आपने इस पर पहले वर्क भी किया होगा अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि लेथ मशीन क्या एक्चुअल क्या है, लेथ मशीन, लेथ मशीन एक मशीन है जो कि हमारी मशीन शॉप में यूज़ की जाती है। ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, मशीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। और मशीनिंग क्या होता है, मशीनिंग एक प्रकार का मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई भी वर्क पीस होता है, सपोज़ ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, क्या चीज़, मशीनिंग। ठीक है, और मशीनिंग की जाती है किसके द्वारा, लेथ मशीन के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, मटेरियल को रिमूव किया जाता है किसी वर्क पीस से। सपोज़ ये कोई वर्क पीस है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, अब इससे हमें मटेरियल रिमूव करना है इसके चारों ओर से। ठीक है, सपोज़ ये सर्कुलर वर्क पीस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है, और तो मटेरियल अगर रिमूव करना है हमें इसके चारों ओर से, तो क्या यहाँ पे एक कटिंग टूल रहेगा। ठीक है, कटिंग टूल लगेगा जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट से कटिंग होगी, इसलिए हम इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, लेथ मशीन में, तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। और सपोज हमें 8 सेंटीमीटर का चाहिए ये रॉड, ठीक है, अभी ये 10 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर हमें मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा, मटेरियल इसमें से निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कटिंग टूल। जब ये कटिंग टूल इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप। तो वहाँ पर हमें एक फाइनली क्या 8 सेंटीमीटर की रॉड मिलेगी। पहले कितने सेंटीमीटर की थी, 10 सेंटीमीटर की थी, अब हमें 8 सेंटीमीटर की मिल गई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो लेथ मशीन क्या है, लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जो हमारी मशीन शॉप के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसमें हम मशीनिंग करते हैं इसमें, और मशीनिंग क्या होता है, एक हमारा एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वर्क पीस से, वो इन द फॉर्म ऑफ चिप निकलता है। ठीक है, तो लेथ मशीन एक एक प्रकार का मशीन टूल है जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में एंड इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है अंडर वर्कशॉप्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक वर्क पीस होता है जिसको होल्ड कर दिया जाता है एक चक में। ठीक है, जहाँ पे वर्क पीस रोटेट करता है। ठीक है, ये वर्क पीस रोटेट करेगा और एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, ठीक है, जो कि इसके कॉन्टैक्ट में आएगा और ये वर्क पीस रोटेट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब एक शार्प सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक वर्क पीस के रोटेट में आएगा, जो कि कॉन्टैक्ट में आएगा जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ मटेरियल रिमूव होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ चिप। ठीक है, तो फाइनली हमें एक डिजायर्ड शेप मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लेथ मशीन यही होता है, लेथ मशीन। ठीक है, और लेथ मशीन का मेन यूज़ क्या हो गया, लेथ मशीन का मेन फंक्शन क्या हो गया, लेथ मशीन का मेन फंक्शन हो गया टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस टू फाइंड आउट द डिजायर्ड शेप एंड साइज। ओके, तो लेथ मशीन पर हम वर्क पीस हमारा रोटेट करता है सबसे पहली बात। ठीक है, और हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक कटिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, फेशिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अदर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेथ मशीन के ऑपरेशंस के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम जो देखेंगे मेनली लेथ मशीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ लेथ मशीन के, ठीक है, तो जैसे कि लेथ मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, एक साइड में हेड स्ट्रोक रहता है, एक एक साइड में टेल स्ट्रोक रहता है। ठीक है, दो सेंटर होते हैं, इसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चक जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है जिसमें हमारा वर्क पीस होल्ड होता है। ठीक है, ये वर्क पीस है सपोज़ कोई, ठीक है, अब सपोज़ ये कोई वर्क पीस है जो इनिशियली कुछ इस शेप का रहा होगा, ठीक है, बाद में मटेरियल रिमूव हुआ है इसलिए ये इस शेप का आ गया है। ठीक है, और इधर ये टेल स्टोक है। ओके, ये टेल स्टोक जो होता है एक जगह पे फिक्स रहता है, केवल सपोर्ट देने को काम आता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं,
यहाँ पे जो वर्क पीस कॉन्ट्रैक्ट हमारा है इसको हम डेड सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो सेंटर्स के बीच में वर्क पीस हमारा रहता है, एक लाइव सेंटर एक डेड सेंटर, ठीक है। हेड स्टॉक है ये टेल स्टॉक है। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में हमारा वर्क पीस, इसलिए हम इसको सेंटर लेथ भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर लेथ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्क पीस रहता है दो सेंटर्स के बीच में, लाइव सेंटर डेड सेंटर के बीच में, मीन्स हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक के बीच में हमारा वर्क पीस है। यहाँ पे क्या है, एक कटिंग टूल यूज़ हो रहा है जो कि हमारा टूल पोस्ट में लगा होगा, लेथ मशीन में एक टूल पोस्ट होता है उसमें हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है, ठीक है। और ये जो है इसके कॉन्टैक्ट में आता है वर्क पीस के, तो ठीक है, इसकी इसका मूवमेंट, वर्क पीस का मूवमेंट क्या होगा, या फिर तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या फिर ये ऊपर भी जा सकता है, अप एंड डाउन भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये वर्क पीस रोटेट करेगा हमारा, ठीक है, और ये वर्क ये कॉन्टैक्ट में आएगा कटिंग टूल इसके, तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होता हुआ चला जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ चिप, और हमें फाइनली जो सपोज ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइनली 8 सेंटीमीटर की रॉड मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी डिजायरेबल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या था, 8 सेंटीमीटर का था, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्या था, हमारा एक्सेस मटेरियल था जो कि रिमूव हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ चिप, ठीक है। वो हमारा चिप पैन में जो हमारी लेथ मशीन में होती है उसमें कलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लाइन डायग्राम है लेथ मशीन का, ओके, जिसमें आप डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए बहुत सारे मेन पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है लेथ मशीन के, तो बेड है, हेड स्टोक है, टेल स्टोक है, कैरेज है, ठीक है, एंड लीड स्क्रू है, फीड रॉड है, चिप पेन है, हैंड व्हील है, चक है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है, तो कुछ मेन पार्ट्स के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि मेन प्रिंसिपल पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ, तो ये एक लाइन डाइग्राम है लेथ मशीन का, तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले इसका ये लेग्स हैं, ठीक है, लेग के ऊपर ये इसका बेड रहता है पूरा, ये पूरा बेड रहता है। तो अगर आप इसको इसमें देखेंगे मशीन में, तो ये इसके लेग्स हैं, ओके, और इसके ऊपर ये पूरा इसका बेड है, ये जो है इसका ये पूरा बेड है, ठीक है, ये पूरा बेड रहता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ लेग्स की या बेड की, ठीक है, लेग्स की या इसको जो बेड है इसकी बात करूँ मैं, तो क्या होता है, लेग सबसे नीचे वाला पार्ट होता है लेथ मशीन का, जिसके ऊपर हमारी पूरी लेथ मशीन है, ठीक है, पूरी लेथ मशीन के अदर पार्ट्स हैं, लाइक हेड स्टोक है, टेल स्टोक है, ठीक है। तो क्या होता है, लेग्स को थोड़ा सा लेग्स को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे से ग्राउंड होता है, ज़मीन में फिक्स होता है, ठीक है, और ऊपर से इसके हैवी लोड होता है। तो ये दो दो नीचे यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक है, ग्राउंड से, और ऊपर से हैवी लोड आ रहा है इसके ऊपर, मींस इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर उस वो दो इस टाइप के लोड्स के बीच में फिक्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड लग रहा है उस पर, और ठीक है, कंप्रेसिव लोड अगर किसी वर्क पीस पर कंटिन्यूसली लगता रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है, डिफॉर्मेशंस मीन्स उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस हो जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है बिकॉज ऑफ लोड, लोड लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये इसके लेग्स जो हैं, लेग्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे से ग्राउंड से फिक्स्ड है, ठीक है, ऊपर से इसके हैवी लोड है, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशंस ना हो जाएं, ठीक है, या फिर ये बोले तो ये पेचक ना जाएं आपस में। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ऐसे मटेरियल से इसको बनाया जाता है, लेग्स को एंड बेड को, क्योंकि बेड के ऊपर भी सारा वेट है मशीन का, हेड स्टोक टेल स्टोक वगैरह है, और कैरेज भी इसके ऊपर मूव करता है। तो ठीक है, बेड को और लेग को किससे, एक किससे, एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। तो और एक ऐसा मटेरियल है, एक कास्ट आयरन हमारा है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लेग्स एंड बेड जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बना होता है, ठीक है। तो कास्टिंग प्रोसेस, जैसे कि मैं आप सभी लोग जानते होंगे, कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक किसी मेटल को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको एक कैविटी के अंदर, जिस भी शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस कैविटी के अंदर उसको पोर कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस कैविटी को हम ब्रेक कर लेते हैं,
ठीक है, अगर टेम्परेरी कैविटी है और अगर परमानेंट कैविटी है तो हम इसको हम डिसेम्बल करते हैं, फिर इसे हम अपना प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर तो हम इस लेग्स को और इसके बेड को हम किसको कास्ट आयरन से बनाते हैं, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसको बाद में हम नट एंड बोल्ट की हेल्प से असेंबल कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने बात की लेग्स की एंड बेड की। ठीक है, इसके अलावा इसके और पार्ट्स भी हैं, देखो ये लेग्स हो गया इसके, ये बेड हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हेड स्टोक होता है, ये पूरा हेड स्टोक है। ठीक है, ये पूरा टेल स्टोक है, ये आप देख सकते हैं पूरा टेल स्टोक है। ठीक है, तो टेल स्टोक जो होता है वर्किंग के टाइम पे एक जगह पे फिक्स रहता है, हेड स्टोक भी फिक्स रहता है एक जगह पे। ठीक है, मगर हेड स्टोक में जो चक होता है, ये आप देख सकते हैं ये चक है। ओके, ये चक है जो चक रोटेट करता है। ठीक है, अब हेड स्टोक की अगर मैं बात करूँ, हेड स्टोक क्या है? ठीक है, तो हेड स्टोक लेथ मशीन में होता है, और जो कि लेथ मशीन के अगर आप यहाँ पर खड़े होकर वर्किंग करेंगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है हेड स्टोक, और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, गियर्स रहते हैं। ठीक है, और एक स्पिंडल शाफ्ट रहती है। ठीक है, और स्पिंडल शाफ्ट जो होती है वो कनेक्ट होती है किससे, चक से। तो ये पूरी स्पिंडल शाफ्ट होती है, ये चक से कनेक्ट होती है। ठीक है, और ये स्पिंडल शाफ्ट पे गियर्स रहते हैं। ठीक है, और जो कि इसमें एक पुली पुली का भी अरेंजमेंट होता है, इधर साइड में मोटर लगा होता है, इस पर पुली लग स्टेप्ड पुली होती है बहुत सारी लेथ मशीन्स में। ठीक है, तो स्टेप्ड पुली होती है, उसको हम एक बेल्ट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पिंडल होता है रोटेट करता है। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा स्पिंडल, तो ये चक भी रोटेट करेगा स्पिंडल की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि मोटर मोटर से ऑपरेटेड है वो। ठीक है, तो जब जब ये चक रोटेट करेगा, तो यहाँ पे हम वर्क पीस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क पीस, चक का क्या हमारा मेन वर्क हो गया, ये वर्क पीस को होल्ड करता है। ठीक है, और हेड स्टोक में हमारा क्या है, हेड स्टोक हमारा एक ऐसा पार्ट है लेथ मशीन का, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, लाइक स्पिंडल रहता है। ठीक है, स्पिंडल जो कि कनेक्ट होता है चक से, चक भी इससे ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट गियरिंग अरेंजमेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, और बैक ऑफ द हेड स्टोक देर आर टू लीवर्स। देखो इसमें दो लीवर भी होते हैं, एक जिसको हम थंबलर गियर लीवर भी बोलते हैं, एक थंबलर गियर लीवर होता है, एक हाई और लो स्पीड लीवर होता है। ठीक है, तो इन लीवर्स का क्या वर्क होता है, लीवर्स का वर्क होता है जो थंबलर गियर लीवर होता है हमारा। ठीक है, वो क्या करता है, इसको सेट करता है। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये एक लीड स्क्रू है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये लीड स्क्रू है, एंड ये फीड रॉड है, या फीड शाफ्ट भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारा पूरा कैरेज है, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसको ये मूव करता है हमारा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, कैरेज, तो ये जो लीड स्क्रू है एंड ये फीड रॉड जो है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो थंबलर गियर लीवर होता है, जो कि हमारा हेड स्टोक पे होता है, ये क्या करता है, ये सेट करता है रोटेशन ऑफ लीड स्क्रू। ठीक है, ये लीड स्क्रू जो है इसके रोटेशन को सेट करेगा। ठीक है, तो इसके थ्री टाइप के रोटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, थ्री टाइप के पोजीशंस देखने को मिलेंगे, एक फॉरवर्ड पोजीशन होगी, एक न्यूट्रल पोजीशन होगी, एक रिवर्स पोजीशन होगी। ठीक है, तो इस लीड स्क्रू की, तो फॉरवर्ड पोजीशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैरेज मूव करेगा टुआर्ड्स द हेड स्टोक। ये हेड स्टोक है, तो ये पूरा कैरेज है। ठीक है, तो ये टुआर्ड्स द मीन्स हेड स्टोक की तरफ, हेड स्टोक की तरफ मूव करेगा ये। ठीक है, ये कैरेज, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन हमारी होगी फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, हमारा इसमें स्पिंडल रोटेट कर रहा होगा, और जिसकी वजह से चक रोटेट करेगा। ठीक है, और उसमें वर्क पीस रोटेट कर रहा होगा, और जिसमें हमारी मशीनिंग हो रही होगी, और उस ड्यूरेशन में हमारा कैरेज जब मूव करेगा, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जब मूव करेगा, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पोजीशन हो जाएगी इसकी, एक न्यूट्रल पोजीशन होगी, न्यूट्रल पोजीशन में कैरेज जो होगा हमारा मीडियम पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, मिडिल में रहेगा, और एक नेक्स्ट रहेगी हमारा रिवर्स पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो रिवर्स पोजीशन में क्या होगा, जो हमारा स्पिंडल होगा वो रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और जो कैरेज होगा हमारा, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा, ये बैकवर्ड पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स या फिर डाउन पोजीशन बोलते हैं। ओके, तो ये लीड स्क्रू के बारे में मैंने बताया। अब एक
एक लीवर के बारे में मैंने और बताया क्या, हाई और लो स्पीड लीवर होता है। ये हाई और लो स्पीड लीवर क्या करता है, ये स्पिंडल के स्पीड को मेंटेन करता है। जैसे ये स्पिंडल रहता है, स्पिंडल पूरा अंदर से एक पूरी शाफ्ट की तरह गया होता है जो कि हमारे चक के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो स्पिंडल की स्पीड को ये मेंटेन करता है हाई लो स्पीड लीवर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे इसके अंदर हेड स्टोक के अंदर डिफरेंट गियर्स होते हैं, उसको एंगेज और डिसएंगेज करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी स्पिंडल की स्पीड हमारी मेंटेन होती है कि इसको हाई स्पीड में रखना है या लो स्पीड में रखना है, ठीक है। तो उसमें गियर्स को चेंज करने में हेल्प करता है हमारा हाई और लो स्पीड लीवर, जिससे हमारी स्पिंडल की स्पीड चेंज होती है, ठीक है। अगर जनरली मैं बात करूँ तो इन लो रेंज में क्या होता है, लो रेंज में जो स्पीड रहती है वो लगभग 150 से 1500 RPM तक रहती है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो और इन हाई स्पीड रेंज में स्पिंडल की स्पीड जो रहती है हमारी, वो जनरली 460 से लेकर 2900 RPM रहती है, ठीक है। तो अरे ये हो गई हेड स्टोक की बात हो गई हमारे, ठीक है, ये हेड स्टोक की बात हो गई। इसके बाद अगर मैं टेल स्टोक की बात करूँ, ये टेल स्टोक होता है, ठीक है। तो हेड स्टोक में क्या है, यहाँ पे ये चक है हमारा, ठीक है। चक में हमारा वर्कपीस ऐसे होल्ड रहता है, इस तरीके से वर्कपीस होल्ड रहता है, ठीक है। और फिर ये रोटेट करता है, फिर यहाँ पर कटिंग टूल लगेगा और फिर उससे मशीनिंग होगी, ठीक है। तो अगर वर्कपीस किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ उसमें वाइब्रेशंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी सरफेस फिनिश ख़राब हो सकती है, या फिर हमारा जो टूल कांटेक्ट में होगा वर्कपीस के, उसमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है हमें। तो सपोज़ कोई अगर वर्कपीस कोई बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये जो टेल स्टोक होता है, इसका क्या काम होता है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस वर्कपीस को। यहाँ से ये जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में वर्किंग प्रिंसिपल में, तो जैसे कि ये इधर साइड में हेड स्टोक रहता है, इधर साइड में टेल स्टोक रहता है, ये वर्कपीस होता है हमारा। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेल स्टोक का मेन वर्क क्या हो गया, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, वर्कपीस को। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये टेल स्टोक है, अगर यहाँ पे वर्कपीस कोई बहुत बड़ा वर्कपीस आएगा तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दो सेंटर्स के बीच में हमारी ये वर्कपीस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेंटर लेथ भी बोलते हैं। और बहुत पुराने समय में जो लेथ मशीन होती थी, ये स्टीम इंजन के हेल्प से चलती थी, इसलिए हमें इसको इंजन लेथ भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि आज के समय में ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलती है, ठीक है। तो ये हो गया मेन वर्क, हो गया किसका, टेल स्टोक का, ठीक है। ये इंजन लेथ है, नॉर्मली एक बहुत ओल्ड लेथ है इंजन लेथ, या फिर इसको हम सेंटर लेथ बोल रहे हैं, ठीक है। आजकल की जो मॉडर्न लेथ आ रही हैं, उसमें टेल स्टोक की जगह कोई अदर टूल्स भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर वर्कपीस लगाए और यहाँ पे अगर ड्रिलिंग टूल लगा दिया, ठीक है, और ये वर्कपीस रोटेट कर रहा है, तो हम इसमें ड्रिलिंग भी कर सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर ही, ठीक है, और अदर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा कैरेज है, इसका क्या फ़र्क रहता है, पूरा कैरेज है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कैरेज है, ठीक है। इसमें कैरेज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कैरेज में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आप देखिए कैरेज में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये इसको हम हैंड व्हील बोलेंगे, ठीक है। हैंड व्हील का वर्क क्या रहता है, ये इसको हैंड की हेल्प से, हाथों की हेल्प से इसको मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये कैरेज हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में कटिंग करनी होगी उसको हम इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसके कैरेज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सैडल होता है, ठीक है, तो ये सैडल होता है, सैडल। अब सैडल का क्या वर्क रहता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है सैडल जो होता है, इसके ऊपर स्लाइड करता है, ये जो आप देख सकते हैं ये वेज है, इसको हम गाइड वेज बोलते हैं, ठीक है। गाइड वेज क्या होते हैं, द गाइड वेज आर द ग्राउंड सरफेस ऑन द टॉप साइड ऑफ द बेड, ठीक है। ये बेड है पूरा, जैसे मैंने बताया था ये पूरा बेड है, इसके बेड के टॉप पर ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कैरेज मूव करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
ड्यूरिंग ऑपरेशन हमारा जो है टेल स्टोक एक जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी होती तो ऑपरेशन से पहले हम इसको आगे ला करके स्लाइड कर सकते हैं गाइड व्हील के ऊपर, ठीक है, फिर एक जगह पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर ये हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको वर्क पीस में सपोर्ट प्रोवाइड सॉरी हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको मूव कराते हैं जहाँ पे हमें जिस पोजीशन पे ले जाना होगा। फिर हम ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले इसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ से फिर ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वर्क पीस पे, ठीक है। तो आपने जैसे कि ये देखा, ये वेज हैं जिसको हम गाइड वेज बोलते हैं, जो कोई वेड के टॉप पे ग्राउंड सरफेस होता है जिसपे हमारा कैरेज और टेल स्ट्रोक मूव करते हैं। ओके, तो कैरेज और टेल स्ट्रोक यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें और बात करूँ तो ये इसमें सबसे पहले देखिए आप, ये सैडल होता है जो कि हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट हमें क्यों ज़रूरी है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर वर्क पीस लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्क पीस लगा होगा और हमें कटिंग करनी होगी इस पूरे वर्क पीस पे, तो हम अपने कटिंग टूल को आगे ले जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि कैरेज में ही कटिंग टूल लगा होता है, तो हमारा इसका फॉरवर्ड मोशन बहुत ज़रूरी है, इसको आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है कटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सैडल देखा आपने, ठीक है, ये सैडल है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करते हैं, मीन्स आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ भी ये आएगा, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को ले जाएगा आगे और पीछे की तरफ। ये सबसे पहला हो गया सैडल, ठीक है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं जो ये वाला पोर्शन, ये है क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। अब क्रॉस स्लाइड का वर्क क्या रहता है, जैसे कि सैडल का आपने वर्क देखा, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, मीन्स आगे या पीछे वाला मोशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और जो क्रॉस स्लाइड का मोशन जो होगा वो जो हमारा वेज है, जो गाइड वेज है, इसके क्रॉसली होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हैंडल भी है, ठीक है, हैंड व्हील है जिसकी हेल्प से हम इस क्रॉस स्लाइड के मोशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉसली मूव करता है इसलिए हम इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले मैंने बताया सैडल फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, और ये है क्रॉस स्लाइड क्रॉसली मूव करता है इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। अब ठीक है, ये सारे मोशन क्यों ज़रूरी है हमें, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड क्रॉसली, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है सपोज, ठीक है, ये वर्क पीस है। अब देखो, अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है, अब क्रॉसली मोशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि ये वर्क पीस है, ठीक है, अगर हमें इसकी इस पूरी सरफेस पे कटिंग करनी है, ठीक है, तो हमें फॉरवर्ड की मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इस पूरी सरफेस को अगर छोड़ दिया जाए, अगर हमें इस पे कटिंग करनी है, ठीक है, इस पे कटिंग करनी है तो हमें क्रॉसली मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें इतना पोर्शन कट करके अलग निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कटिंग टूल होगा इसको हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इधर क्रॉसली मोशन ले जाना पड़ेगा, तब ये कटिंग होती हुई जाएगी धीरे 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 धीरे, ठीक है, फिर बाद में हम इसको वापस ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रॉसली मोशन इसलिए ज़रूरी है। तो मेन क्रॉस स्लाइड का मेन वर्क क्या होगा, ये क्रॉसली मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्रॉसली मोशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। अब क्रॉस स्लाइड, ये सबसे पहले आपका सैडल हो गया, ये क्रॉस स्लाइड हो गया। अब फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्रॉस स्लाइड के बाद आ जाता है कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये कंपाउंड रेस्ट है, ठीक है। अब कंपाउंड रेस्ट का वर्क क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट के लिए भी एक अलग से हैंड व्हील प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि ये कंपाउंड रेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड रेस्ट का वर्क क्या होता है, अब जैसे वर्क पीस को फॉरवर्ड मोशन तो मिल गया और बैकवर्ड मोशन मिल गया हमारे, सॉरी वर्क पीस को नहीं, कटिंग टूल को, यहाँ पे कटिंग टूल लगा होता है ना कैरेज में, तो इसके कटिंग टूल को हमारे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन मिल गया हमें सैडल से, ठीक है, क्रॉसली मोशन मिल गया हमें क्रॉस स्लाइड से, ठीक है। और ये कंपाउंड रेस्ट का क्या वर्क होता है, जो कि सबसे पहले एक काम इसका ये होता है, ये जो टूल पोस्ट होता है इसके ऊपर ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये असेंबल होता है हमारा कंपाउंड रेस्ट किसके ऊपर, क्रॉस स्लाइड के ऊपर असेंबल होता है, ठीक है। और ये कंपाउंड रेस्ट का वर्क ये होता है, ये किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता है, ठीक है, किसी भी एंगल पर रोटेट करेगा, ये किसी भी एंगल पर रोटेट करेगा और फिर वहाँ से कटिंग टूल की पोजीशन को चेंज करेगा, किसी एंगल पे लेकर के आएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी
सपोज ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, ये कोई वर्क पीस है, ठीक है। अगर नॉर्मली हमें कटिंग करनी है, ठीक है, तो हमारा कटिंग टूल 90 के एंगल पर रहेगा, ठीक है, और ये कटिंग करते हुए इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, ठीक है। और या फिर इसको इस डायरेक्शन में कटिंग करनी है तो इस डायरेक्शन में ये कटिंग करता रहेगा, ठीक है। अगर हमें इस तो फाइनली हमें इसमें वर्क पीस किस शेप का मिलेगा, डायमीटर कुछ कम होगा उसका और इससे ही शेप का मिलेगा, ठीक है। अगर हमें उसका शेप कुछ इस टाइप से चाहिए, कुछ इस टाइप से चाहिए, ठीक है, कुछ टेपर शेप चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कटिंग टूल होगा हमारा, इसको हम किसी, इसको हम 90 के एंगल पर ना रख के इसको हम किसी एंगल पर सेट करेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से हमें टेपर चाहिए, ठीक है। तो किसी एंगल पर जब सेट करेंगे तो हमें उसका शेप कुछ टेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कटिंग टूल कुछ इस टाइप का हो जाएगा, फिर इस कंडीशन में कुछ एंगल पे सेट हो जाएगा। तो जो कटिंग टूल को जब एंगल पे सेट करेंगे हम, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से। तो ये कंपाउंड रेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट है जिसको हम जिसको जो कि कंट्रोल होगा इस हैंडबिल की हेल्प से, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो है एक ये टूल पोस्ट होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये टूल पोस्ट है, ये टूल पोस्ट है, ठीक है। तो ये टूल पोस्ट है, इसको हम स्क्वायर टूल पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एक बार में चार टूल्स को हम लगा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर नीचे के डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसके इसके इस डायरेक्शन में पीछे, ठीक है। तो इसमें मगर जो है वर्किंग एक टाइम पर एक ही कटिंग टूल करेगा, ठीक है। तो ये टूल पोस्ट है, इसमें कटिंग टूल हमारा होल्ड रहेगा, ठीक है, इसमें कटिंग टूल लगा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा कटिंग टूल लगा रहेगा और इसमें हमारा वर्क पीस रहेगा, ठीक है, ये वर्क पीस रहेगा यहाँ पे हमारा, जो कि हमारा चक इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब ये चक, ये स्पिंडल रोट, जब हमारा मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो गियर अंदर हमारे होंगे इसके हेड स्टोक के, जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पिंडल शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी। स्पिंडल शाफ्ट जब रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इससे ये कनेक्ट है चक हमारा, ठीक है, तो चक रोटेट करेगा, ठीक है, और उस चक के हेल्प से हमारा ये जो वर्क पीस कनेक्ट है ये रोटेट करेगा। अब ये रोटेट कर रहा होगा और यहाँ से ये पूरा कैरेज है, ठीक है, ये कैरेज आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन करते हुए आएगा और ये कटिंग टूल होगा, जब कटिंग टूल वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आएगा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये कटिंग करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जो एक्सेस मटेरियल होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ चिप निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और वो जो चिप होगी वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, वो कलेक्ट हो जाएगी आपकी ये जो चिप पैन है, ये आप देख सकते हैं ये चिप पैन है, ठीक। तो इसमें सारी चिप कलेक्ट हो जाती है, जिसको हम बाद में एक मेल्ट करके उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो मैंने इसके मोस्टली प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो मैंने किस किस चीज़ के बारे में बताया, सबसे पहले बेड के बारे में बताया, बेड क्या होता है, एक मेन पार्ट होता है लेथ मशीन का, ठीक है, जहाँ पे जो कि मेन पार्ट होता है, जो कि उस मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारा हेड स्टोक, टेल स्टोक और अदर पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। हेड स्टोक का क्या बताया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ठीक है, और इसमें गियरिंग अरेंजमेंट्स रहते हैं, स्पिंडल रहता है, कंट्रोल रिवर्स रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया टेल स्टोक बताया था, टेल स्टोक क्या होता है, जो राइट साइड पर होता है लेथ मशीन के, ठीक है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्क पीस को, ठीक है। कैरेज क्या होता है, कैरेज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये मैंने बताया था, और ये हेड स्टोक एंड टेल स्टोक के बीच में होता है, बीच में लगा होता है, जिसमें हमारा सैडल होता है, ठीक है, सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, ठीक है, एंड टूल पोस्ट होता है, ओके, ये मैंने सब बताया था। फिर लीड स्क्रू के बारे में बताया, लीड स्क्रू एंड फीड रॉड क्या होता है, ये दोनों कैरेज के मोशन को कंट्रोल करते हैं, इसको उसके मोशन को कंट्रोल्स करते हैं, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर लीड स्क्रू में एक हाफ नट होता है, उसको अगर हाफ नट से ऑपरेट अगर करा जाए इसको, ठीक है, लीड स्क्रू को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि फिर वो लीड स्क्रू, वो कैरेज जो होगा वो ऑटोमेटिकली भी मोशन करने लगता है, ठीक है। तो फीड रॉड का बताएं, फीड रॉड क्या होता है, उसको मोशन कराने में हेल्प करता है कैरिज को फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन प्रोवाइड कराता है। तो इसके बाद चिप पैन था, चिप पैन क्या था, लेथ मशीन के बॉटम में होता है, उसमें चिप कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वर्क पीस से निकल रही होती है,
ठीक है। फिर हैंडव्हील, हैंडव्हील का क्या वर्क रहता है, ये ऑपरेट करता है क्रॉस लाइट को या कैरेज को, टेल स्टोक को, ठीक है, या फिर अदर पार्ट्स को, उसको कंट्रोल करता है, उसके मोशन को ऊपर, उसको एक अप्रोप्रिएट पोजिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक मोशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद चक के बारे में मैंने बताया था, तो चक क्या होता है, बेसिकली एक एक चक एक होल्डिंग डिवाइस होती है, ठीक है, तो चक एक होल्डिंग डिवाइस होती है जो कि हमारे वर्क पीस को होल्ड करके रखती है, ठीक है, वर्क पीस होता है हमारा, ठीक है, ये तो रोटेट करता है किसकी वजह से, चक की वजह से, ठीक है, ये चक में होल्ड रहता है, चक इसको पकड़ के रखता है, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा, अगर इसको कोई पकड़ के नहीं रखेगा तो ये निकल के कहीं भी दूर गिर जाएगा जाके, ठीक है। तो चक क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। बेसिकली चक तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अदर लेक्चर्स में। तो बेसिकली जो हमारे वर्कशॉप्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में वर्कशॉप वगैरह में जो यूज़ होते हैं, वो टू टाइप्स के चक होते हैं, एक हमारा होता है फोर जॉ चक होता है, और एक हमारा होता है थ्री जॉ चक होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये फिगर में, ये फोर जॉ चक है, ठीक है। अब फोर जॉ चक को हम इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप देखिए फिगर में, ये फोर जॉ चक है, ठीक है, इसको हम इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं, ठीक है। अब फोर जॉ चक का, फोर जॉ चक इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर जॉ हैं, ठीक है, जॉ वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, एंड फोर ये है, और इसके बीच में वर्क पीस यहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है, ऐसे वर्क पीस होल्ड रहता है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जॉ हैं, ठीक है, ये मोशन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम फिट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क पीस डायमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क पीस लगा हुआ है जिसका डायमीटर ज़्यादा है या कम है, जैसा भी है, तो हम ये हमारे जो जॉ है ये आगे या पीछे होंगे, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है, इस की हेल्प से। तो हम इसको सेट करते हैं इस की हेल्प से। तो फोर जॉ चक में क्या होता है, इसको हम इंडिपेंडेंट चक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हर जॉ को, फोर जॉ है इसमें, तो फोर जॉ को हमें इस की हेल्प से सेट करना पड़ता है, ठीक है, उसकी सेंटरिंग करनी पड़ती है। तो फिर सेंटर में हमें वर्क पीस होल्ड करना पड़ता है क्योंकि इसको एक्सिस के अराउंड ही ये मूव करे तभी कटिंग हमारी प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है। अगर ये एक एक्सिस के अराउंड मूव रोटेट करेगी और यहाँ पे कटिंग टूल होगा हमारा, तभी कटिंग होगी प्रॉपर, ठीक है। अगर ये वर्क पीस हमारा इधर या इधर भागने लगेगा तो उससे हमारी कटिंग नहीं होगी। तो उसके लिए सेंटरिंग हमारी ज़रूरी है, जो कि एक सेंटर के अराउंड ही मूवमेंट हो वर्क पीस का, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट जॉ चक भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि हर जॉ को अलग अलग हमें टाइट या लूज़ करना पड़ता है फॉर सेंटरिंग, ठीक है। और इसमें हम फोर जो चक जो होता है हमारा, इसमें हम इरेगुलर शेप्स का कोई अगर वर्क पीस है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है इसमें हर जॉ, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम सेट करके होल्ड कर सकते हैं वर्क पीस को। इरेगुलर हो या रफ सरफेस है कोई, या फिर रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस टाइप की कोई सरफेस है, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं इस टाइप के वर्क पीस में, सॉरी इस टाइप के चक में, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई इरेगुलर वर्क पीस है, ठीक है, उसको हमें होल्ड कराना है, ठीक है, तो हम इसको इंडिविजुअली हर जॉ को उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें मान लो ड्रिलिंग करनी है, तो इसको हम ये हमारा हेड स्टोक के साइड पर रहेगा, टेल स्टोक के साइड पर एक ड्रिल टूल लगा होगा जिसकी वजह से जब ये रोटेट करेगा और, ठीक है, ये ड्रिल टूल इसमें लगेगा, फिर इसमें ड्रिलिंग हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा थ्री जॉ चक, जिसको हम यूनिवर्सल जॉ चक भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल जॉ चक भी बोलते हैं। अब इसे यूनिवर्सल जॉ चक क्यों बोलते हैं, इसमें थ्री जॉ होते हैं, देखो थ्री जॉ चक है तो इसमें थ्री जॉ है, जॉ नंबर वन, जॉ नंबर टू, जॉ नंबर थ्री, ठीक है। जॉ कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर इसको डिसेंबल कर दिया जाए इससे चक से, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम यूनिवर्सल जॉ चक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जब इसमें वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं, ठीक है, वर्क पीस हमारा जब होल्ड होता है इसमें, तो अगर हम ये की है, ठीक है, इस की के हेल्प से अगर हम एक जॉ को भी मूवमेंट प्रोवाइड कराएंगे, एक जॉ को भी टाइट या लूज़ करेंगे, तो तीनों जॉ एक साथ मूव होंगे इसमें, ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक सेंटरिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें किस टाइप के वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, इसमें हम जो वर्क पीस हमारा होल्ड होगा वो राउंड वर्क पीस होगा, ठीक है, जैसे कि कोई रॉड है, ठीक है, तो उसको हम इसमें होल्ड कर सकते हैं।
ठीक है, राउंड वर्क पीस होगी या कोई हेक्सागोनल शेप का वर्क पीस होगा, उसको हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। जबकि हम फोर जो चक में कोई अगर हमारा इरेगुलर शेप का भी वर्क पीस है, राउंड है या फिर रेक्टेंगुलर है, तो हम उसको भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें लेथ मशीन की हेल्प से हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि हम लेथ मशीन पे ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर मॉडर्न लेथ मशीन है तो, ठीक है, बट जो ओल्ड लेथ मशीन से होते हैं उस पर ड्रिलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, टर्निंग टर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे टर्निंग क्या होता है, जैसे कि अगर ये कोई रॉड है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इसका ओवरऑल हमें 2 सेंटीमीटर डायमीटर कम करना है, ठीक है, तो एक कटिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे कटिंग होगी और इसका डायमीटर कम हो जाएगा, तो डायमीटर हमें फिर 8 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, उसको हम टर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और स्टेप टर्निंग भी होती है हमारी, स्टेप लेथ मशीन पे हम स्टेप टर्निंग भी कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल कोई रॉड है, ठीक है, नॉर्मली कोई रॉड है, ठीक है, हमें इसमें स्टेप्स में टर्निंग चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमें डायमीटर कुछ डिफरेंट चाहिए, ठीक है, कम चाहिए, फिर यहाँ पे डायमीटर थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, फिर यहाँ पे डायमीटर और ज़्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं हम उस कटिंग टूल की हेल्प से ही वर्क, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं किस में, चक में, ठीक है, फिर इस कटिंग टूल की हेल्प से ही इसमें हम इसकी मशीनिंग करते हैं, ठीक है। और जब मशीनिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर एक ही रॉड में मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। सॉरी, कुछ इस तरीके से रॉड बन जाती है। तो हम इसको स्टेप टर्निंग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट डायमीटर है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डायमीटर है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डायमीटर है रॉड का, ठीक है। तो इसी टाइप से टेपर टर्निंग भी होती है, ठीक है। तो जैसे कंपाउंड रेस्ट जो होता है, उससे हम एंगल पर सेट कर लेते हैं टूल को एक, और एक हम इसको टेपर टर्निंग भी दे सकते हैं वर्क पीस को। ये राउंड नहीं होकर टेपर शेप में मिलेगा हमें। ओके, तो इस टाइप से हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं लेथ मशीन पे। तो थैंक यू, आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और फॉर फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।